नूडल्स लिए हैं, इसको मैंने अच्छी तरह क्लीन करके रखा है। आप चाहे तो ये फ्लावर्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पानी लिया है जिसको मैंने बॉईल किया था और बाद में ठंडा किया है, फ्रिज में रखा था उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए और बाद में बाहर निकाला। ये एलम है, इस एलम को हम लोग ऐसे 5-6 बार या 6-7 बार घुमाएंगे और उसको सेट करने के लिए रखेंगे। कम से कम 4-5 घंटा या तो फिर 3-4 घंटे के लिए हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। नीचे देखेंगे कि यहाँ पार्टिकल्स जमा हुए हैं, छोटे छोटे ऐसे जमा हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पानी के जार में ऐसे पार्टिकल्स जमा हुए हैं। हम लोग ऐसा घुमा सकते हैं एलम लेके, या तो फिर हमें इसमें क्या करना है, अगर 90% हमने उन्हें पानी लिया है तो 10% एलम का पाउडर रहेगा, या तो फिर 5% एलम का पाउडर ले सकते हैं डाल के उसको सेट करने के लिए रखने का। लेकिन एक चीज़ ये है कि हम लोग को पहला पानी गर्म करना है, उसको बॉईल करके उसको फिर से ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर में लाने का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें फिर बाद में ये पानी छान के लेना है जिससे वो प्योरीफाई हो सके। यह ध्यान रखिए कि एलम का जो प्रपोर्शन है बराबर रहे, वरना फ्लावर्स खराब हो जाएंगे। ये मैंने एम्प्टी बॉटल लिया है, इसमें हमें क्या करना है, ये फ्लावर्स डालने हैं। मोस्टली ऐसा देखिए कि ये फ्लावर्स का जो पोजीशन है वो डाउनवर्ड्स रहे, कैसे भी ना रहे, हर टाइम पे हमें बॉटल नीचे नीचे ऐसा हिलाना है ताकि फ्लावर्स अच्छी तरह इंसर्ट हो जाए। हमें फ्लावर्स ऐसे ही चूज करने हैं जो कली फॉर्म में हैं और जो पार्शली ब्लॉसम हैं। फुल्ली ब्लॉसम फ्लावर्स हमें यूज़ नहीं करने हैं, अदरवाइज वो उसके पेटल्स बाद में सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर जो मेरे पास फ्लावर्स अवेलेबल थे उस फ्लावर से ही मैं ये बना रही हूँ आपको, जस्ट दिखाने के लिए कि कैसा ये इसका प्रोसेस है। यहाँ देखो हमने ये फ्लावर्स ऐसे डाले, थोड़ा सा उसको हम लोग ऐसे हिलाएंगे और लूज करेंगे तो ये थोड़ा हल्कापन आ जाएगा, इसमें ये सेटल हो जाएंगे। अभी क्या करना है, हमें ये पानी लेना है और उसको फिल करना है। पूरा बॉटल ऐसे भर के लेंगे और बाद में हमें ये ढक्कन ऐसा टाइट लगाना है। आपके पास अगर कुछ डेकोरेटिव बॉटल रहेगी जो ट्रांसपेरेंट है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये अभी हमारा रेडी है फ्लावर का बॉटल, बट अभी क्या है इसमें हमें टेप लगा के लेनी है, नहीं तो एयर पास कहाँ से भी हो सकती है और ये ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कौन सा भी सेलो टेप लीजिए, अभी मेरे पास ये इलेक्ट्रिक टेप था स्टिकी, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत हमें अच्छी तरह से ये लगाना है, मास्किंग टेप भी आप लगा सकते हो। मेरा ये बॉटल का ढक्कन थोड़ा लूज था इसके लिए मैं ये टेप यूज़ कर रही हूँ ताकि पानी बाहर ना आए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा कवर किया है, ये बॉटल का हम लोगों ने यहाँ टेप लगाया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग ये लेस लेंगे और इसको ऐसा टाई करेंगे। कोई भी वेस्ट बॉटल का हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप या तो जाम का बॉटल, शेजवान चटनी का बॉटल, ऑलिव का बॉटल ऐसे रहता है तो आप यूज कर सकते हैं वेस्ट बॉटल्स। तैयार है हमारी ये बॉटल एज अ गिफ्ट करके। ये मैंने इन फ्लावर्स का भी किया है, ये जो फ्लावर्स है इनका मैंने बॉटल्स में बनाया, तो ये देख सकते हैं कि ये ऐसा, मतलब इसका कलर पानी में छोड़ता चला गया, पर ये बहुत प्यारा लग रहा है।
कितना इस प्रकार ये लग रहा है, अब देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इस बॉटल को बनाए हुए मुझे 8 मंथ्स हुए हैं और इसको 6 मंथ्स, फिर भी अभी तक ये फ्लावर्स अच्छे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।